इसका अनुवाद मैं फिर एक बार पढ़ूंगा। तत्पश्चात सती अपने पति शिव को, जिन्होंने प्रेम वश उसे अपना अर्धांग प्रदान किया था, छोड़कर क्रोध तथा शोक के कारण लंबी लंबी सांसें भरती हुई अपने पिता के घर को चली गई। उससे यह अल्प बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य उसका अबला नारी होने का फलस्वरूप हुआ। ये जो शिव जी सती, बिफोर स्टार्ट आई जस्ट वांटेड टू गिव द डिस्क्लेमर कि शायद आज कुछ ऐसे शब्द निकले जिससे ज्ञान तो मिले लेकिन किसी को चोट पहुंचे अपने हृदय में, पुरुष हो या स्त्री हो। तो डिस्क्लेमर है कि नोबडी शुड टेक इट एज ए पर्सनली, बट दिस इज अ फैक्ट ऑफ द लाइफ। एंड द स्क्रिप्चर्स ऑल्सो सेज रिगार्डिंग द पत्नी एंड पति। सो यहाँ पे शिवजी और सती का संवाद चल रहा है और सती क्रोधित हो गई है और उनके पति, कहानी तो आपको पता ही है कि शिव जी सती को कहते हैं कि अभी मत जाइए, आप अपने पिता के पास मत जाइए क्योंकि वो मेरा मेरा अपमान किया है, रिस्पेक्ट नहीं किया है मेरा। लेकिन सती कहती है कि मैं जाना चाहती हूँ, मन में सोचती है और इतना गुस्सा हो गए। यहाँ दो नंबर श्लोक में देख रहे हैं हम कि गुस्से से देख रही थी अपने शिव को, अपने पति को, कि वो क्या करेगी, उनको आंखों से जला देगी, दृष्टि से जला देगी उनको। तो ये जला देगी ऐसा वो क्रोध था, और ये क्रोध यहाँ पे शोके न रोषे न च द्विधा, हृदय में उसका शोक और रोष है कि जिससे उसको जाना ही है, मुझे रोक कैसे सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सुंदर है कि प्रभुपाद तात्पर्य के पहली लाइन में लिखते हैं, वैदिक विचारधारणा के अनुसार पति अपने शरीर का आधा भाग पत्नी और पत्नी आधा भाग पति को देती है। हाफ ऑफ द बॉडी इज ऑफर्ड टू इच अदर। लेकिन यहाँ पे ये बताया कि मंद बुद्धि, मतलब अल्प बुद्धि वाला ये कार्य किया है सती ने, कि वो बताने के बाद भी अपने पति ने बताया, शिवजी ने बताया कि आप मत जाइए, फिर भी वो प्रेमवश, अपने मायके के प्रेमवश वो वहां चली जाती है और गुस्सा करके जाती है। और चली गई है। प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे ये जो पति पत्नी के जो रिलेशनशिप होते हैं, तो शिवजी और पार्वती में भी ये झगड़ा हुआ है। हायर हायर कपल है ये, लेकिन कमजोरी के कारण कभी कभी ये माता पिता के घर जाना चाहती है। जैसे अभी भी हम देखते हैं कि अगर पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाता है तो बैग भर के पत्नी चली जाती है माँ के घर पे, चली जाती है क्योंकि तो कमजोरी के कारण यहाँ पे बताया गया है। और स्पेसिफिक क्या बताया गया है, प्रभुपाद लिखते हैं कि जनरली पति और पत्नी अलग होते हैं, तलाक हो जाता है, उसका मुख्य कारण क्या है, ये स्त्री की कमजोरी है। कि ज्यादा अच्छा है कि यहाँ पे लिखते हैं सर्वश्रेष्ठ रास्ता यही है कि पत्नी पति के आदेशों का पालन करे। तो कभी कभी ऊंचे परिवार में भी देखा गया है, आपस परिवार में झगड़े देखे गए हैं, लेकिन ये किसके कारण, एक छोटे कारण के लिए या बड़े कारण के लिए पति को छोड़ के जाना ठीक नहीं है, ऐसा करना ये ठीक नहीं है। यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, अगेन डिस्क्लेमर, ये बहुत कलयुग में ये बहुत कॉमन है। जैसे नेचर है मटेरियल वर्ल्ड में, ये जो हम कहते हैं कि पुरुष स्त्री का जो संबंध है, आकर्षण है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसको समझना बहुत इजी भी है और बहुत डिफिकल्ट भी है। प्रोपस तात्पर्य में जो लिख रहे हैं, वो सर्वश्रेष्ठ रास्ता यही है कि पत्नी पति के आदेशों का पालन करे। इसका मतलब ये नहीं कि पति हमेशा ऑर्डर ही करता रहे, कुछ
कुछ पति के भी कर्तव्य है। फैमिली लाइफ में ऑर्डर ही पति करे ऐसा नहीं है। अगर पत्नी आज्ञा पालन करती है तो संबंध अच्छा बना रहता है, ऐसा देखा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि पति शोषण करे। हस्बैंड शुड ऑल्सो ऑनर एंड रिस्पेक्ट वाइफ। डिसीजन जो जो है वो पति को लेना चाहिए। यहाँ पे बता रहे हैं, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के पास एक भक्त आया आशीर्वाद लेने के लिए। हम भी जाते हैं ना, हाँ, हम देखते हैं शादी शादी नए जो कपल्स होते हैं वो गुरु महाराज के पास भी आते हैं, हाँ, आशीर्वाद लेने के लिए। वैसे जगन्नाथ बाबा जी महाराज के पास भी एक कपल गया शादी के बाद, और कहा उन्होंने कि हमारी शादी हुई है, अभी वी जस्ट गॉट मैरिड, हमारे लिए कुछ आदेश दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। तो बाबा जी महाराज कहे, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने कहा कि आपको ये समझना चाहिए कि आपकी जो पत्नी है, क्या है आपकी जो पत्नी है वो प्रॉपर्टी ऑफ कृष्णा, शी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कृष्णा नॉट योर्स, शी इज अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा, ये हमारी सर्वेंट नहीं है। पति को भी ये समझना चाहिए और पति को भी ये समझना चाहिए, मतलब वो कहते हैं कि आपको भी यही समझना होगा कि हम दोनों भगवान के सेवक है, हम एक दूसरे के सेवक नहीं है, हम दोनों भगवान के सेवक है। पत्नी को भी ये समझना चाहिए कि, और पति को भी, दोनों को ये समझना चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमारा उच्चतम गोल क्या है, भगवान की सेवा करना। दोनों को सोचना चाहिए कि हम दोनों सेवक हैं एक दूसरे के साथ, उसमें भगवान की सेवा करनी है, और ऐसी भावना होगी तब एकता रह सकती है और जीवन बहुत ही सुंदर, जीवन बहुत ही स्पिरिचुअल लेवल पे चलता है। अगर हम समझ सकते हैं कि कृष्ण ही भोक्ता है और कृष्ण ही एकले पुरुष है, वही पुरुष है, हम सब प्रकृति है, हाँ, तो पति पत्नी में संबंध स्थायी हो सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है। और आजकल क्या है, आजकल के कलयुग में पति पत्नी के ड्यूटीज हैं, ड्यूटीज पत्नी पत्नी पति का कर्तव्य जो है वो धन कमाना है, घर लाना, और घर में सारे परिवार का पालन पोषण करना, और पत्नी का कर्तव्य है कि, उसका कर्तव्य है कि कुकिंग करना, बच्चों की देखभाल करना, घर की व्यवस्था सही से देखना और सफाई रखना। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है आज मॉडर्न लाइफ में कि आजकल पति पत्नी दोनों जॉब कर रहे हैं, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग, और उसके वजह से बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हस्बैंड तो बीटेक है लेकिन वाइफ एमटेक है। हाँ, तो ये बहुत चैलेंज हो जाता है, क्योंकि स्त्री को भी लगता है कि मैं भी कोई कम नहीं हूं। वाई शुड आई वॉश द पॉट्स, वाई शुड आई वॉश द वेसल्स, वाई शुड आई क्लीन द होम, मैं कोई सॉफ्टवेयर का काम करती हूं, मैं सॉफ्टवेयर बनाऊंगी, हाँ, मैं क्यों हार्डवर्क करूं, हार्डवेयर क्यों बनाऊं, हाँ, तो ऐसा लगता है, क्योंकि थोड़ा डिस्टर्ब है ये सब। मैं अगेंस्ट नहीं हूं, मैं अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आज मेट्रो सिटीज हम जो रह रहे हैं उतनी इतनी महंगाई है कि पति पत्नी को दोनों को काम करना पड़ता है अपने आप को मेंटेन करने के लिए। अपने को मेंटेन करना है, एक स्टैंडर्ड लाइफ जीना है, और भक्ति में भी हमें अलग अलग सेवाएं करनी है, यात्राएं जानी है, तो लक्ष्मी की बहुत जरूरत पड़ती है। और आजकल मेंटेनेंस इतना बढ़ गया है, हम देखते हैं खास करके मेट्रो सिटीज में, और ये मेंटेनेंस इसके लिए बड़ा है सोशल मीडिया के लिए, क्योंकि हमारी इच्छाएं देखते हैं और इच्छाएं को हमारे हम हमें जो चीज नहीं चाहिए उस चीज के लिए हम इच्छा प्रवृत्त करते हैं, हम ज्यादा लक्ष्मी की इच्छाएं करते हैं। तो मूड क्या होना चाहिए, कॉपरेशन, और इसमें क्या है कि अहंकार, मैं कुछ हूं, दोनों में, पति पत्नी में, दोनों में, और समाज में हमें प्रूव करना है कि आई एम समथिंग, अहंकार ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सारे गृहस्थी में, कॉरल्स का।
मनमिटाव का, जो झगड़े का, अहंकार के कारण और इच्छाओं के कारण। तो यहाँ पे भी सती की इच्छा है और उसको उनको ऐसे लग रहा है कि मेरे पिताजी के घर पे मेरे गहने, मेरी साड़ी, सब कुछ मेरे मुझे दिया है, आप तो बस स्मशान भूमि में बैठ के या कैलाश में बैठ के सिर्फ जप करते रहते हो। आपने तो कभी मुझे पानेरी में जाके या कोई दूसरे दादर में जाके कभी कुछ साड़ी खरीद के दी नहीं, और आप मुझे रोकोगे? हाँ, तो प्रभुपद यहाँ कहते हैं कि वाइफ शुड बी ओबीडियंट, पत्नी को पति का आदर करना चाहिए। अगर पति भक्त नहीं हो, भक्त है तो करना ही चाहिए, लेकिन भक्त नहीं है तो भी पत्नी को उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, और धीरे धीरे भक्त बन जाते हैं। इसलिए सबको मैं बता रहा हूं, कुछ दिनों पहले कुछ ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था कि फिर मैं वो भक्त को बता रहा था कि हमें इतना अच्छा बनना चाहिए जीवन में, और अभक्त के साथ भी हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि वो हमसे सोचे कि ये भक्ति से एक आचरण बनता है, एक आचरण बनता है, और भक्त को अपने परिवार वालों के साथ, सगे संबंधियों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि हमारे व्यवहार से उनको ऐसा लगे कि नहीं, इस्कॉन में कुछ तो भी सिखाया जाता है और हम भी फॉलो करें। देखा गया है कि इनिशियली सिर्फ पत्नी भक्ति में आती है, लेकिन पत्नी अगर पति की वही सेवा अच्छी तरीके से करती है, लेकिन क्या हो जाता है कि पत्नी को सिखाया जाता है, क्या कैसे सीखती है कि अगर हस्बैंड भक्त नहीं है तो उनकी अच्छे से सेवा चाकरी नहीं करनी चाहिए, और नहीं करती है, प्रोग्राम में जाना, ये करना, वो करना। तो जिसके वजह से उस पति के हृदय में इस्कॉन के प्रति कुछ तो भी रानी या दुर्व्यवहार का भाव, ऐसा सब उत्पन्न हो जाता है। तो ये फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए और एक वस्तु बहुत जरूरी है, सहिष्णुता, टॉलरेंस। हस्बैंड और वाइफ को, दोनों को टॉलरेंट होना चाहिए कि क्या होता है कि हम जब स्टार्ट में एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ने वाला होता है, तभी एक दूसरे को लगता है कि तुम्हारे जैसा और कोई नहीं है, मेड फॉर ईच अदर हो जाता है। लेकिन ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है इस दुनिया में कि मेड फॉर ईच अदर, हम सिर्फ भगवान के साथ मैच कर सकते हैं और किसी के साथ हमारा मैच नहीं हो सकता, ये जानना चाहिए। मैरिज से पहले कपल क्या सोचता है, मैरिज के कुछ महीनों तक भी क्या सोचता है कि हम दोनों परमहंस हैं, मेरा हस्बैंड परमहंस है और वाइफ भी परमहंसनी है, ऐसे लगता है इनिशियली कुछ स्टार्ट में, लेकिन बाद में पता चलता है कि इसमें से कोई भी हंस नहीं था और कोई भी हंसनी नहीं है। हाँ, वी ऑल स्ट्रगलिंग। हाँ, टॉलरेंस, एक दूसरे के कमियों को पहचानना शुरू हो जाता है तभी। तो ये ब्रह्मचारियों को भी पता चलता है, ये गृहस्थों के लिए नहीं, ब्रह्मचारियों को भी मंदिर में टॉलरेंस रहना चाहिए कि कोई व्यक्ति टॉलरेट नहीं है, सही सुना नहीं है, तो मैं टॉलरेट बहुत ज्यादा कर रहा हूं, मुझे ही करना पड़ रहा है। तो उसमें भी तो कमियां है, उसको भी टॉलरेट करना चाहिए। तो ये जो क्लैश है ना, ये टॉलरेंस, ये जो है अहंकार से शुरू होता है। और कोई भी रिलेशन हो, हस्बैंड वाइफ, फादर सन, मदर डॉटर, ब्रदर सिस्टर, सब में स्टेबिलिटी के लिए चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें एक एक रामबाण उपाय दिया है, त्रोणादपि सूरी चेला तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मानदेन कीर्तनीय सदा है, ये फॉर्मूला है, नम्र बने रहे। मैं बार बार कहता हूं, सॉरी और थैंक यू बोलने से किसी का पगार कम नहीं होता और किसी की पोजीशन कम नहीं होती। और ऐसे कहने से ये सारी जो प्रॉब्लम है ना, अगर हमारे एक दूसरे के बीच का जो संबंध है वो बिगड़ता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम, ये हम ये शब्द जो है ना, दो, सॉरी और थैंक यू, ये वर्ड को हम यूज नहीं करते हमारी लाइफ में ज्यादा, हमें लगता है कि हम ही सही है। यहाँ दक्ष को भी लगा कि मैं सही हूं और सती को भी लगा कि मैं सही हूं, और हमें हमेशा लगते रहता है कि मैं सही हूं,
मैं क्यों हमेशा अपने घोड़े को पीछे लूं, मैं क्यों हमेशा अपने शब्द को पीछे लूं? नहीं, ये होता है अहंकार और हमारे हृदय में सहिष्णुता बोले तो टॉलरेंस नहीं है। दक्ष जो है वो सोचता है कि, दक्ष ने सोचा कि शिव जी जो है वो मेरी बेटी के साथ शादी किए हैं, तो दक्ष ने सोचा कि मैं सीनियर हूं, मैं ससुर जी हूं और वो मेरा जवाय है, तो शिव जी जो मेरे दामाद है, सन इन लॉ है, तो उनको मुझे रिस्पेक्ट देना ही चाहिए, ये नेचुरल है, देना ही चाहिए। लेकिन दक्ष को यही अंडरस्टैंडिंग पता थी, उसको नहीं पता कि भागवतम में चार प्रकार के अलग-अलग आदर देने के, मान देने के स्टेजेस दिए गए हैं। भले ही शिव जी सन इन लॉ है, दामाद है, लेकिन वो एक एक देवता है, वो वैष्णवानाम यथा संभव एक परम वैष्णव है, वो पोजीशन को नहीं जान रहे कि शिव जी एक बहुत बड़ी उच्च लेवल पे है। दक्ष है, प्रजापति है, राजा है, लेकिन उससे भी बड़ी पोजीशन शिव जी की है वो नहीं जानता। लेकिन श्रीमद् भागवतम हमें पता है, हमें हमें इसमें पता चलता है कि चार लेवल होती है, चार डिफरेंट लेवल है जिसमें बड़ी बड़ी पर्सनालिटियों को भी ये चार जगह पे अलग अलग, जो हम आज उदाहरण को चेक करेंगे, हम उसका सुनेंगे कि चार अलग अलग बड़े बड़े व्यक्तियों को भी दूसरों को मान देना ही पड़ेगा, रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है कि सबसे पहले कि अगर कोई एक व्यक्ति से उम्र में ज्यादा है, एल्डरली, तो अगर उम्र से ज्यादा है तो उसको रिस्पेक्ट देनी ही चाहिए। तो रिस्पेक्ट बाय एज आता है यहाँ पे। हम कह सकते हैं कि हम उसको मान देते हैं क्योंकि वो हमसे उम्र में बड़े हैं। ये पहले भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन नहीं भूलना चाहिए, इसलिए याद रखना चाहिए। हमें पता है कि हर रोज सुबह 16 माला उठ के करनी है, चार नियमों का पालन करना है, साधना भक्ति करनी है, लेकिन अगर हम इस श्रीमद् भागवतम के पाठ को रोज नहीं सुनते तो ये धीरे 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 हमारी भक्ति क्षीण होने लगती है और हमारा भक्ति में इंटरेस्ट निकल जाता है, देखा गया है। कभी कभी तो हर संडे आता था, हर रोज सुबह मंगलारती सेशन में, जूम सेशन में जुड़ते थे, फिर कभी कभी हफ्ते में एक बार, फिर कभी 15 दिन में एक बार, फिर बहाने, फिर कभी कभी तो आते ही नहीं, और कभी कभी फिर मंदिर में भी नहीं आते। ये धीरे 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 व्यक्ति छूट जाता है, लेकिन उसका जो उपाय बताया गया है कि सुनना, वी हैव टू ऑलवेज रिमेम्बर और हियर ग्लोरीज ऑफ कृष्णा, के हमें पता चले कि दासानुदास, हम भगवान श्री कृष्ण के दास हैं और हमारा इटरनल पोजिशन बोले तो हमारी वास्तविक जो हमारी पोजीशन है, हमारी जो वास्तविक गुण है, वो भगवान की सेवा ही करना है, सेवा नहीं करना है, सेवा ही करना है। तो यहाँ पे रिस्पेक्ट देना किसको, उम्र से जो ज्यादा है हमारे। तो हम बहुत बार देखते हैं, बार बार बाहर भी जाते हैं कि हमें लगता है कि हम दूसरों से रिस्पेक्ट रिसीव करें, हमारा भाव होता है ये, आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरा कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं, हर बार, कि हमें भाव मिले, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें दूसरों को मान देना है। अगर हर एक व्यक्ति दूसरों को मान देगा ना, तो दूसरे को मिलने ही वाला है, हर एक व्यक्ति मिले, हर एक व्यक्ति को मिलते रहेगा, ये समझने का, ये इकोसिस्टम है, ये भागवतम कहता है। तो पोजीशन से अगर देना है, लेकिन वो अगर वो सीनियर है, अगर वो उसकी उम्र ज्यादा है, तो उसको रिस्पेक्ट देनी ही पड़ेगी। लेकिन हाँ, लेकिन एज से लेकिन दूसरा आता है, सेकंड, कि अगर कोई सीनियर है, उम्र में ज्यादा है,
लेकिन अगर सॉरी उम्र में नहीं, उम्र में कम है लेकिन फिर भी वो कोई सीनियर पोजीशन को धारण करता है, तो उसको और भी ज्यादा मान देना चाहिए। अगर कोई पोजीशन करता है, अगर एग्जाम्पल है किंग, राजा है, किंग का क्या है कि किंग का कैसा है कि किंग उम्र में कभी कभी छोटी उम्र का भी देखा गया है, लेकिन उसकी सभा में मंत्रीगण ब्राह्मण बैठे हुए हैं, वो कभी उसके बहुत ज्यादा उम्र के भी देखे गए हैं। लेकिन ये यहाँ पे अथॉरिटी है, राजा अथॉरिटी है, राजा है, तो इन ब्राह्मण कहे या मंत्री कहे उम्र में ज्यादा है, फिर भी उनको उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए, राजा को देना पड़ता है, क्योंकि राजा के पास इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पोजीशन है। तो किंग को, राजा को, पोजीशन को, जिसके पास भी पोजीशन है उसको मान देना पड़ता है, देना चाहिए। भागवतम कहता है पहला जो है वो उम्र के और उम्र को देखते हुए, सेकंड उसकी पोजीशन, और उसके आगे थर्ड हमें ऑफर करना चाहिए, रिस्पेक्ट मान देना चाहिए। जो सीनियर है कोई पोजीशन भी धारण करता है और उसके साथ साथ लर्नेड बाय नॉलेज, तीसरा है ज्ञानी व्यक्ति। कोर्ट में हम देखते हैं कि किंग जो है वो जजमेंट दे रहा है, वो सुना रहा है सबको, कोई ना कोई आदेश दे रहा है, लेकिन वहां पे ब्राह्मण और मिनिस्टर जो राजा को एडवाइस कर रहे हैं किंग को, क्योंकि ब्राह्मणा कौन है, ब्राह्मणास वो सबसे इंटेलिजेंट है व्यक्ति, नॉलेजेबल है, शास्त्रों का ज्ञान है, तो वो राजा को नॉलेज देते हैं, तो किंग की ड्यूटी है कि वो रिस्पेक्ट करे ब्राह्मणा और मंत्रियों की, वाइस वर्सा हो गया यहाँ पे। राजा क्या करता है, जब भी सभा में आता है, जब भी सभा में आता है, वो सभा में आता है तो पहले ब्राह्मण मंत्रियों सबको, अपने गुरुओं को पहले प्रणाम करता है, फिर अपने जाके सिंहासन पर बैठता है। ये तीसरा, बाय लर्निंग बाय नॉलेज। तो यंग हो सकता है लेकिन फिर भी उसके पास अगर अगर नॉलेज है, जैसे चाणक्य हम देखते थे, चाणक्य पंडित की उम्र ज्यादा नहीं थी लेकिन वो सबसे इंटेलिजेंट थे, तो पूर्ण राजा सब लोग उनको रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ है, हाईएस्ट, वो सारे ये तीन को ओवररूल करता है, इज बाय स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, वैराग्य, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट एंड शोइंग द वैराग्य, प्रनाउंसिएशन। अगर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअली एडवांस है, अगर वो मटेरियली वो लर्नड भी है और या मटेरियली वो कोई अच्छी खासी पोजीशन भी नहीं धारण करता है, या फिर वो उम्र में भी छोटा है, कुछ भी हो, उसके पास धन संपदा भी ना हो, कोई राजा नहीं है वो, लेकिन अगर वो भगवान का अनन्य भक्त है और भगवान की भक्ति में अग्रणीय है, बहुत आगे, मतलब हम कहते हैं एग्जॉल्टेड सोल है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, एक एग्जाम्पल है सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी कितने यंग थे, हा? और लेकिन जब वो परीक्षित महाराज की सभा में जब उन्होंने आगमन किया, तब सब लोग ने क्या किया, और परीक्षित महाराज के साथ सब लोग बड़े बड़े ऋषि और मुनि सारे बैठे थे, लेकिन सब लोग ने उठ के सुखदेव गोस्वामी का आगमन और उनका स्वागत किया और प्रणाम किया, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी को हाईएस्ट रिस्पेक्ट क्यों मिला, क्योंकि क्योंकि वो महान भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के, वेरी एग्जॉल्टेड पर्सनैलिटी सुखदेव गोस्वामी। चार कुमार, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन फिर भी रिस्पेक्ट उनको सब लोग दे रहे हैं। नारद मुनि,
उम्र ज्यादा नहीं है, फिर भी सब रिस्पेक्ट दे रहे, क्योंकि वो उनका कार्य सिर्फ और सिर्फ भक्ति करना है। और ये दक्ष प्रजापति को ये नॉलेज नहीं था, इसका ज्ञान नहीं था, जो आपको और हमें आज है ये ज्ञान। इसलिए कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम के अलावा इस संसार में जानने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारी इंजीनियर की डिग्री, डॉक्टर की डिग्री, ये कोई भी हमें भगवत धाम नहीं ले जा सकती, नम्र नहीं बना सकती, टॉलरेटिव नहीं बना सकती, हमें सहिष्णु नहीं बना सकती, हमें भक्त नहीं बना सकती। मेरा दामाद है, उसको मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए, वो भूल गया कि वो कौन है, मेरी जो पोजीशन है उसको भूल गया, लेकिन दक्ष भूल गया है कि शिव जी देवता है। टॉप मोस्ट पोजीशन ही इज हैविंग। तो दक्ष ने क्या किया, दक्ष ने हम देखते हैं कि कर्स आदान प्रदान हुआ, क्या कहते हैं हम लोग, बहुत सुंदर है, आप लोगों ने, सब लोगों ने सुना है कि सब लोग एक दूसरे के ऊपर कहते हैं वो पासिंग द बॉल करते हैं ना, वैसे सब लोग कर्स, सब सब एक दूसरे को शाप दे रहे, क्योंकि दक्ष नहीं एक्सेप्ट कर पाए कि मेरा अपमान हुआ है। और ये जब अपमान होता है ना, तब एंगर आता है, अंगर। और जब एंगर आता है, जब हम क्रोधित होते हैं, तब क्या होता है, तब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बुद्धि नाश हो जाती है। क्या करना है नहीं पता, इसलिए श्राप दे दिया। ध्यायतो तो विषयान पुंसान संगस्ते शुभ जायते। भगवद गीता के सेकंड चैप्टर में, गीता के सार में भगवान अर्जुन को कहते हैं, संगा संजायते कामान, कामा क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्थिति ब्रह्म, स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, बुद्धि नाश प्रणश्यति। ये परफेक्टली, ये दो जो श्लोक है परफेक्टली फिट होते हैं, शायद 57, 58, 62, 63 नंबर श्लोक है। पूरा भगवान समझा रहे हैं कि ये बुद्धि का नाश क्या होता है, उसका कारण क्या है। परफेक्टली ये दो श्लोक है ना इस कहानी में सूट होते हैं, परफेक्टली मैच होते हैं, क्योंकि सबका इंटेलिजेंस चला गया। प्रभु ये जी सॉरी, क्लास कौन से श्लोक? का प्रभु जी जो सॉरी, कौन से श्लोक, सॉरी कौन से दो श्लोक बोल रहे हैं आप प्लीज, नंबर्स? सेकेंड जो हम कहते हैं ना, सेकेंड मैं एंड में बताता हूँ। ध्यायतो तो जी विषाम पुंसाम संगस्ते शुभ जायते, ये दो श्लोक है, आप लोग प्रभु, भगवद गीता सिक्सटी में देख टू सकते सिक्सटी हैं। टू सॉरी 62 रहा, सिक्सटी टू 62 63 ऐसा है, शायद या 62 है बुद्धि वही नाश चैप्टर, प्रणश्यति, बुद्धि नाश हो जाती है। कौन से चैप्टर में है सेकेंड माता जी? चैप्टर भगवद गीता, सेकंड चैप्टर, टेक्स्ट या सेकेंड नंबर, चैप्टर टेक्स्ट नंबर 62 एंड 63। यस। तो ये जो इंटेलिजेंस है ना, वो चला जाता है। ये क्लासिक केस है मिसअंडरस्टैंडिंग का, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये दक्ष के मिसअंडरस्टैंडिंग, सती की मिसअंडरस्टैंडिंग, और शिव जी बोल रहे हैं सती को नहीं जाने के, लेकिन फिर भी जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि सब लोग जा रहे हैं, मैं कैसे नहीं जाऊं, व्हाई यू आर स्टॉपिंग मी। कि सती पॉइंट ऑफ व्यू, उसको लगता है कि सही हूं मैं, कि मैं पिता के घर पे जा रहा हूं। सती वॉज नॉट इन्वाइटेड, दक्ष ने शिव जी को और अपनी बेटी को इनवाइट नहीं किया था, क्योंकि दक्ष के हृदय में अभी भी रोष भरा हुआ है भर भर के शिव जी ने मेरा अपमान किया है, मेरे दामाद ने मेरा अपमान किया। अरे पहले देख तो लो दामाद है कौन, दामाद प्रलय करने वाला देवता है, सब कुछ नष्ट करने वाला है, आपको भी नष्ट कर देगा, उसको वो अथॉरिटी है, उसके पास पोजीशन है, और पोजीशन अथॉरिटी के साथ साथ वो महान भक्त है, वैष्णव है।
और सती जब जाती है, ये दिखता है कि ये ठीक नहीं है। ये क्या है? अटैचमेंट, परिवार के प्रति अटैचमेंट है। अटैचमेंट कि हम ये हमें लगता है कि मैं सही हूं, हम सबके साथ अटैचमेंट है, और सती का भी अटैचमेंट था, और उस अटैचमेंट से उनको नहीं लगा क्या सही है और क्या गलत है। शिव जी को लगा ऐसे कि ये गलत हो रहा है, और समी हमारे लिए हमें लगता है कि हम सही है। मैं क्या क्यों बता रहा हूं ये, कि हमें लगता है कि ये बहुत गुड, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, दिस इज वेरी गुड एग्जाम्पल, कि ये हमारे साथ भी होता है, ये शिव जी और इनके बीच का नहीं है संवाद, ये हमारे बाद रोज में होता है, रोज रोज होता है हमारे साथ ही। सती कह रही है, माई हस्बैंड इज सेइंग नॉट टू गो टू माई फादर्स हाउस, मैं क्यों ना जाऊं, यहाँ पे लग रहा है उन दोनों का संवाद, नहीं हमारे साथ रोज होता है। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि हमें कोई भक्त या हमारे ऑफिस में या हमारे घर में बहुत लोग कहते हैं कि मत करो, लेकिन हम नहीं समझ पाते कि ये मुझे किस नजरिए से देखना है और मैं करूं या नहीं करूं, और हमें लगता है कि नहीं वो कौन है मुझे रोकने वाला, आई शुड डू इट, आई शुड, मैं अपने पर्सपेक्टिव से अपने दिमाग से करूंगा ही, मुझे सही लगता है, मुझे अगर कोई कहता है कौन है वो मुझे इंस्ट्रक्शन देने वाला, हाँ कौन है वो, हमें ऐसा लगता है, हमें बहुत बार ये भाव हमें आता है। तो जब ऐसा समय आता है कि हमें लगता है कि ये हम सही है, तो ऐसा नहीं होता है, तब अगर कोई भी दुविधा में है तो हमें एडवाइस लेनी चाहिए किसी और की। सती को क्या करना चाहिए था, अगर पत्नी पति घर की मुर्गी दाल बराबर, हाँ कहावत है, तो अगर पति है लेकिन महान वैष्णव है नहीं, मेरा पति है उनको नहीं पता, तो एटलीस्ट वो किसी और से कंसल्ट करती कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, अगर किसी से सलाह मशवरा करती अथॉरिटी से, सीनियर से, तो ये नौबत नहीं आती। तो ये देखता है कि अगर हम किसी के पास जाके नम्र बन के जब जाते हैं, तब हमारी नम्रता का विश्लेषण होता है, हमारी नम्रता दिखती है किसी के पास, लेकिन हम जाते नहीं, हम कहो लगता है कि मैं सही हूं, मैं वही जो चाहता है मैं वही करूं। और अगर आप समझिए, इस लॉजिक को समझिए, अगर आपने किसी से इंस्ट्रक्शन लिया और उसके अनुरूप आपने कोई सेवा की मंदिर में या घर पे या कहीं भी आपने कुछ काम किया, और अगर उसमें फेल हो जाते हैं, अगर वो सही डिसीजन नहीं होता है, तो आपको कोई नहीं कहेगा कि आप गलत थे। आप सोचिए इस बात को, क्योंकि हमने हमारा कर्म किया या हमने कोई सेवा की या हमने कोई काम किया, वो हमने अथॉरिटी को सुन के किया, लेकिन अगर हम सोचे कि हमें कि ये नहीं मुझे ही करना है, कि अगर हम ये समझे कि सब लोग इग्नोरेंस में हैं और सब लोग बॉडी माइंड और इंटेलिजेंस के कंसेप्ट पे है, तो कोई भी सही नहीं है, तो मुझे लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही लिख है, ये सही नहीं हो सकता। सती को यही, सती का यही प्रॉब्लम था। सती कह रही है, इट्स माय, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है मेरे मायके जाना, मेरे पिता के घर जाना, और वो जाती है, बट शी डिडंट अंडरस्टैंड, क्योंकि वो बहुत ही कन्विंस थी अपने आप में कि आई एम राइट, आई शुड डू इट। ये हमारे साथ होता है कि मुझे, हमें ऐसे लगता है कि हम सही है और ऐसे ही करना चाहिए और ऐसे ही होना चाहिए, मेरे सीनियर्स, मेरे अथॉरिटीज, दे आर जस्ट लाइक दैट, दे हैव अ वेरी बैड एक्सपीरियंस इन पास्ट, आई शुड नॉट फॉलो, बट दे आर अथॉरिटीज, सो यू हैव टू फॉलो, इट इज इन स्क्रिप्चर्स गिवन, यू हैव टू फॉलो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से नहीं चलता है सब कुछ, शास्त्रों के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हमें चलना होता है। अगर मेरे सीनियर, मेरे अथॉरिटीज अगर मुझे कुछ आदेश दे रहे हैं, तो मुझे फॉलो करना ही पड़ेगा, करना नहीं पड़ेगा, करना ही चाहिए। आगे मैं इसका आपको बताऊंगा, अरे ये तो डिक्टेटरशिप हो गई, ऐसे थोड़ी चलेगा। हाँ मैं बताऊंगा इसका क्यों।
क्यों? अगर आंसर नहीं मिला तो पूछ लेना। और ये जब ह्यूमिलिटी, जब नम्रता आएगी, और ये कृष्णा जब हम अंत समय में भगवान देखेंगे कि हमारे हृदय में भी बैठे हैं भगवान, तो सीनियर के हृदय में भी बैठे हैं, ऑथोरिटी के हृदय में बैठे हैं, काउंसिलर के हृदय में बैठे हैं, गुरु के हृदय में बैठे हैं, शिक्षा गुरु के हृदय में बैठे हैं, दिशा गुरु के हृदय में बैठे हैं, सबके हृदय में बैठे। तभी तो भगवान सब देख रहे हैं हमारे हृदय में बैठ के, हमारे एक्ट को, हमारे हमारे भाव को, हमारी सेवा को। और अगर हम ऐसे भाव से फॉलो, वी शुड फॉलो, जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, लेकिन उसके पहले जीवेरे स्वरूप हो गुरु नित्य दास, गुरु के नित्य दास बनना अगर वो करें। के प्रोपाद भी कहते हैं कि डिसाइपल हमेशा डिसिप्लिन में रहना चाहिए। डिसाइपल कम्स फ्रॉम द डिसिप्लिन। अगर वो डिसिप्लिन में, तभी डिसाइपल बन सकता है। अगर डिसिप्लिन में नहीं है तो डिसाइपल नहीं है। वो डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा हमें, इनटू हियरिंग, इनटू फॉलोइंग, इनटू चैंटिंग। और ये डिसिप्लिन कब आएगा? ओबीडियंस से। डिसिप्लिन कैसे आता है? ओबीडियंस। हमें हमें फॉलोइंग व्हाट इज टोल्ड, हमें फॉलो करना है जो हमें बताया गया है। और प्रभुपाद ने हमें जो बताया वो सिंपली अगर हम फॉलो करेंगे तब हम ओबीडियंट बनेंगे। अगर हम ये सिंपली फॉलो करेंगे जो हमें बताया गया है, इंस्ट्रक्शन आती है गुरु शिष्य परंपरा से, तो क्या होगा? हम जीत जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण देखेंगे हमारे हृदय में कि ये जो मेरा भक्त है ये कितना सुंदर है, कितना सुंदर भक्त है। वो अपने मन बुद्धि अहंकार को छोड़ दिया है, वो साइड में डाल दिया है। भले ही वो कितना भी उच्च स्तर पे है, लेकिन उसने अपने मन बुद्धि अहंकार को नहीं सोचता है, वो सिर्फ अपने गुरु के और सीनियर के आदेशों को पालन करता है। कितना ओबीडियंट है। तो क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण हमारे जो स्पिरिचुअल जर्नी है, हमारी जो भक्ति का मार्ग है, उसमें ऐसी अरेंजमेंट बनाएंगे, ऐसे इंस्ट्रक्शन हमें गुरु के माध्यम से हमें दिलाएंगे जो हम कर सके, जो हमारे भले में है। हम अच्छे से गाइडेड हो, हम हमेशा गुरु के छत्र छाया में अच्छे इंस्ट्रक्शन, मतलब क्या, जो हम अच्छे इंस्ट्रक्शन को हम अच्छे से फॉलो कर सके हमारी क्षमता के अनुसार, ऐसे ही इंस्ट्रक्शन हमें मिलेंगे। भगवान उनके हृदय में बैठ के हमें प्रेरित करेंगे। अगर हम हमारी हमारे हृदय से हमको जो करना है वो हम करेंगे, तो वो जो ईगो है हमें टेक ओवर करेगा, हमारा ईगो। और ईगो अगर 1% भी, 0.0001% भी अगर ईगो है, तो भगवत धाम नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। व्हाट इज डिवोशनल प्रैक्टिस? क्या है वो? है कि हमें अपने ईगो को, मन बुद्धि अहंकार को 100% त्यागना है। बुद्धि नाशक प्रणश्यति। अगर हमारे में प्राउड है, हमारे में गर्व है, अहम है, तो हमारी चैंटिंग में ऑब्स्टिकल्स है। अगर नम्र भाव में है, सर्वेंट ऑफ सर्वेंट में है, तो भगवान का चैंटिंग इजीली होगा, स्मरण इजीली होगा। अगर हम अभिमान में है तो कैसे करेंगे? प्रभुपाद कहते हैं कि जस्ट बाय चैंटिंग यू विल बिकम प्योर और हम्बल बाय चैंटिंग। तो चैंटिंग के लिए हमें हम्बल भी बनना है, हम्बल और चैंटिंग, हम्बली चैंटिंग करना है। और नाम जप करने से हम्बल बनते हैं, नम्रता आती है, और नम्रता होने से ही चैंटिंग होता है ठीक से। तो ये तो दोनों कड़ी एक दूसरे में जुड़ी हुई है। जैसे उदाहरण है, बहुत सुंदर उदाहरण है, प्रभुपाद कहते हैं एक कार है, उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। कार की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, कार तब स्टार्ट होगी जब बैटरी चार्ज है, और बैटरी तब चार्ज होगी जब कार गाड़ी चलेगी, गाड़ी चलती रहेगी। करें तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें कि हमारा चैंटिंग कैसे अच्छा होगा? तृणादपि सुनिश्चयेन, नम्र बनने से। और हम नम्र कैसे बनेंगे? चैंटिंग करने से।
तो व्हाट टू डू, कुछ समझ नहीं रहा है प्रभु जी। विदाउट बिकम हम्बल वी कैन नॉट चैंट गुड राउंड्स, एंड विदाउट चैंट वी कैन नॉट बिकम हम्बल। तो ये करे कैसे, सॉल्व कैसे करे? तो सम वैष्णव एसोसिएशन, आपको पता है अगर गाड़ी की बैटरी अगर आपकी डिस्चार्ज हो गई है और आपकी गाड़ी शुरू नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है पता है आपको? आपको बाहर से एक दूसरी एक्सटर्नल बैटरी लानी पड़ती है, उसको जम्पर लगा के उसको कनेक्ट करके उस बैटरी को चार्ज करना पड़ता है इनिशियली। जैसे गाड़ी स्टार्ट हो गई फिर वो बैटरी चार्ज होते रहेगी, लेकिन उसको चार्ज देने के लिए फर्स्ट बाहर से बैटरी लाके उसको जम्पर कहते हैं भाषा में, बार बार होता है आप लोगों को अगर एक्सपीरियंस है तो कोई प्रभु जी को पता हो, तो जम्पर लगाना पड़ता है। वही मतलब सीनियर वैष्णव का संग लेना पड़ेगा, वो सीनियर वैष्णव में करेंगे चैंटिंग करो, उनका संग लेंगे, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, और ऐसे हमारी चैंटिंग सुधरेगी। चैंटिंग से हमारा मन बुद्धि अहंकार, हमारा अहंकार जाएगा, नम्रता आएगी, ओबीडियन बनेंगे और अच्छे भक्त बनेंगे। ये चैप्टर है ये हमारे लिए। शिव जी और पार्वती के झगड़े का हमें कुछ चुटकुला बनाने के लिए नहीं, ये सीख है इसमें। प्रभुपाद एक बार, प्रभुपाद आपको पता है प्रभुपाद ने हमें क्या नहीं दिया? प्रभुपाद ने इतने मंदिर दिए, इतनी शिक्षाएं दी, इतने ग्रंथ दिए। एक भक्त, सच में ये प्रश्न होता है किसी को, एक भक्त ने प्रभुपाद को मॉर्निंग वॉक में पूछ लिया कि प्रभुपाद आप इतना बड़ा कार्य कर कैसे पाए, और क्या कहा पता प्रभुपाद ने? प्रभुपाद ने ऐसा अपना हाथ उठा के कहा, चैंटिंग, एवरीथिंग इज इनसाइड द फीडबैक। सारे कहते हैं ना हम लोग, सब रामबाण उपाय उपाय सारे इस चैंटिंग बैग में। हाउ मच वी अटेंटिवली चैंट, वी बिकम हम्बल, ओबीडियंट एंड गुड डिसाइपल। तो ये हमें जानना है कि हमें दूसरों को मान देना है और अपनी मान की अपेक्षा नहीं रखनी, और हर एक व्यक्ति ऐसे ही करेगा तो हर एक को मान मिलते रहेगा, लेकिन मान की अपेक्षा ना करें। यहां पे दक्ष का यही प्रॉब्लम हुआ जिससे इतना बड़ा झमेला खड़ा हो गया, और ये हमें सिखा रहा है, ये हम सबको सिखाने के लिए। कोई कहे शिवजी और पार्वती में भी ऐसे झगड़ा होता है, तो अगर हमारे इस कलयुग में बंबई शहर में कहीं झगड़ा होता है तो क्या फर्क पड़ता है? अरे इससे हमें सीखने को मिल रहा है कि हम हमारे झगड़े को कैसे सुधारें, कैसे अपने आप को भक्त बनाए, भगवान का सेवक बनाए। सो इसी के साथ इस सेशन को विराम देते हैं। किसी कोई भक्त का कमेंट, टिप्पणी, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।